नमस्कार जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ये है स्प्लेंडर प्लस और इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है करंट छोड़ने की और ये करंट छोड़ के पटाखा मार देती है। देख सकते हैं इसमें करंट अभी आ रहा है, लेकिन जैसे हम इसकी रेस देते हैं तो ये करंट जो है इस तरह से ठीक है, ये करंट को छोड़ देती है और पटाखा मारने लगती है और कई बार तो ये बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इसका क्या फॉल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इसमें क्या क्या चेंज किया और कैसे प्रॉब्लम को ठीक किया, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैंने इसका साइड पैनल खोला और सबसे पहले इसका जो CDI यूनिट है उसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये जो CDI यूनिट है वो लगभग हर मैकेनिक के पास एडवांस में मिल जाता है। तो सबसे पहले यदि आपने इसको चेक कर लिया तो लगभग प्रॉब्लम जो है उसको पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो हमने सबसे पहले CDI यूनिट लिया एक और उसको लगा के देखा, क्योंकि जो करंट छोड़ रही है शायद इसका फॉल्ट हो सकता है। यदि यहाँ से ठीक होती है ठीक है, वरना आगे बढ़ेंगे। तो हमने CDI यूनिट को बदल दिया है, अब देखते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या फिर अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पर बाइक स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम आप देख सकते हैं करंट फिर भी ये बाइक जो है करंट को छोड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा CDI यूनिट है वो ठीक है, प्रॉब्लम बाइक के अंदर कुछ हो रही था। चलिए यहाँ से हम इसको वापस से लगा देते हैं जो इसमें लगा हुआ था पहले ही, और हमने इस तरह से जल्दी से उसको भी वापस लगा दिया। और उसके बाद बारी आती है ये जो यहाँ पर दो वायर लगे हैं, ब्लू और ब्लैक रेड। तो ये दो वायर जो है इनको टेस्टिंग करना है, क्योंकि यहाँ पर जो दो वायर हैं एक स्टार्टिंग कॉइल का होता है एक पिकअप कॉइल का होता है। तो हमने सबसे पहले जो था जो इसका पिकअप कॉइल है उसको टेस्टिंग किया। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखा हमने, यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं 250 के आसपास है, जो इस मॉडल का सही है। तो ये तो सही है। तो उसके बाद हमने जो टेस्ट करना था वो टेस्ट करना था इसकी स्टार्टिंग कॉइल को। तब हमने स्टार्टिंग कॉइल को इसको चेक किया, जो स्टार्टिंग कॉइल की वैल्यू है वो 400 के आसपास आती है इस मॉडल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 408 हो रही है, तो स्टार्टिंग कॉइल भी मेरे हिसाब से सही है। तो यहाँ से हमारा डाउट लगभग दूर हो गया। वैसे इसको टेस्टिंग करने का कुछ और तरीके भी होते हैं जिनसे हम प्रैक्टिकली इसको चेक कर लेते हैं, यदि मल्टीमीटर नया हो तब भी हम इस फॉल्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तो ठीक था। उसके बाद हमें डाउट हुआ कि ये जो बाइक है इसका जो इग्निशन स्विच है ये वाला, ये कहीं जो है अर्थिंग ना हो रहा हो, जिसकी वजह से ये स्पार्क जो है छोड़ रही हो। तो हमने जो था इसको डायरेक्ट किया। आप यहाँ पर यदि आपके पास स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल है उसको डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि इसको डायरेक्ट करके चेक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार इस स्विच के अंदर पानी वगैरह चला जाता है और ये शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें यहाँ पर एक सॉकेट लगी होती है 4 वायर की, उसको जो है आपको डिसकनेक्ट करना होता है। तो हमने इसकी जो सॉकेट है उसको डिसकनेक्ट कर दिया है, ये स्विच की सॉकेट है इसकी। तो जब ये डिसकनेक्ट हो गई तो हमने अब इस टेस्टिंग करना था कि जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुई या नहीं, वो चेक कर लेते हैं। शायद अब प्रॉब्लम ठीक हो जाए, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कॉइल भी सही बता रही है और पिकअप कॉइल भी। तो यदि ये ठीक नहीं हुई तो फिर हम HT कॉइल वगैरह देखेंगे, लेकिन उससे पहले ही हम इसको अंदाज़ा लग जाएगा हमें क्या प्रॉब्लम है। तो बाइक जो है अब रेस देने को तो लगेगा, देख सकते हैं इसने करंट फिर छोड़ दिया, फिर पकड़ लिया और फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, करंट छोड़ रही है और फिर से पकड़ लेती है। तो प्रॉब्लम जो है यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है हमें कि इसकी कोई वायरिंग जो है शायद वो अर्थिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये करंट छोड़ रही है। क्योंकि जो करंट है वो यदि पतला होके जाता है तो फिर कुछ और तरीके से हम इसको पकड़ते हैं, लेकिन ये करंट जो है इसका साइज एक सरा है और ये एकदम से ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हमें यह अंदाज़ा लग रहा है इसकी जो वायरिंग है शायद वो कहीं से अर्थ है। तो हम इसका जो हैंडल है यहाँ से इसकी वायरिंग को छील के देखते हैं, शायद प्रॉब्लम यहाँ से हमें मिल जाए। तो फिर हमने जब इसको डायरेक्ट करके ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ
तो हमने इसको कट किया यहाँ से, तो हमने एक ब्लेड लिया और उसके द्वारा इस तरह से इसको कट किया। यहाँ पर एक वायर होती है मेन वायर, जो ये प्रॉब्लम पैदा कर सकती है, वो होती है ब्लैक में वाइट रंग की। यदि वो कहीं से यहाँ से टूटी होगी या कहीं दूसरी तार के साथ टच हो रही होगी, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जब बाइक की एक्सीलेटर देते हैं तब ये प्रॉब्लम आ रहा है जब इस वायर के अंदर वाइब्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो वायर है वो हम देख लेते हैं कौन सी है। इसमें जो है जोड़ काफ़ी है, वायरिंग इसकी चेंज होने की हो रही है वैसे। तो ये वो वायर है दोस्तों, देख सकते हैं जो मुड़ी हुई है ब्लैक में वाइट। ठीक है, ये बाइक को बंद करने का काम करती है, इंजन को बंद करती है, तो यही वायर करती है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर फॉल्ट को पकड़ा है वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, ये फॉल्ट है। इसका एक हल्का सा वायर जो है, हल्का सा वायर बिल्कुल, वो निकला हुआ है। शायद मेरे हिसाब से जब ये बाइक की एक्सीलेटर हम देते हैं तो ये बॉडी के साथ यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ अर्थिंग होती है, जिसकी वजह से एकदम से स्पार्क जो है वो जा रहा है। तो फिलहाल कहना बड़ा मुश्किल है, फॉल्ट यही है नहीं, बाकी शायद यही हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेप लगाते हैं, और टेप लगाने के बाद जो है फिर देखेंगे क्या जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होता है या नहीं। क्योंकि ये जो वायर आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ओल्ड मॉडल जो है, जो 2012 से पहले के मॉडल हैं स्प्लेंडर प्लस के, उनमें जो है ये वायर होती है ब्लैक में वाइट रंग की। यदि कहीं से भी ये अर्थिंग हो जाएगी किसी भी वायर के साथ, तो जो बाइक है उसका स्पार्क जो है चला जाता है। तो हमने स्विच तो यहाँ से डायरेक्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अब हमने इसको टेपिंग किया है, तो देख लेते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है या नहीं। तो मैं वीडियो को कटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो कैसे मैकेनिक लोग निकालते हैं, कैसे पकड़ते हैं किसी फॉल्ट को। तो अब देखते हैं बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो बाइक तो स्टार्ट हो गई, अब देखते हैं क्लच छोड़ती या नहीं, पूरी एक्सीलेटर देके पता लगेगा। तो गाइस बाइक जो है हमारी लगभग सही हो चुकी है। बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम था वो यही वायर कर रही थी, तो जो बाइक का प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुका है। इसकी जो क्वेल वगैरह है, CDI यूनिट वगैरह है, वो ठीक है। हमने HT क्वेल वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उससे ही पहले ही हमने इस फॉल्ट को निकाल दिया। तो गाइस यही इस बाइक के अंदर फॉल्ट था। छोटे छोटे फॉल्ट कभी ऐसे आ जाते हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तो इस तरह से अब इसके जो आपने स्विच की सॉकेट निकाली थी उसको वापस लगा दीजिए, ताकि आप बाइक को चाबी के द्वारा बंद कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।